सो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं क्रिकेट सुपर फैंस, मैं हूं रफी। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी ने आईसीसी की लेटेस्ट टी20 रैंकिंग जारी कर दी है, जहां टीम्स और खिलाड़ियों की रैंकिंग में काफी कुछ बड़ा उलटफेर हुआ है, जहां भारतीय टीम को काफी तगड़ा फायदा हुआ है। साथ ही साथ भारतीय खिलाड़ियों ने भी आईसीसी की लेटेस्ट टी20 रैंकिंग में लंबी छलांग लगाई है। आपको बता दें कि सूर्य कुमार यादव भारतीय टीम के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन सूर्य कुमार यादव आईसीसी की लेटेस्ट टी20 रैंकिंग के टॉप 10 बल्लेबाजों में नंबर 2 पर पहुंच चुके हैं। तो वहीं रोहित शर्मा भारतीय कप्तान आईसीसी की लेटेस्ट टी20 रैंकिंग में 13वें स्थान पर पहुंच गए, जबकि विराट कोहली को भी काफी फायदा हुआ है, जहां विराट कोहली इससे पहले टॉप 20 बल्लेबाजों से बाहर हो गए थे, लेकिन अब किंग विराट कोहली की वापसी हो चुकी है। साथ ही साथ आईसीसी रैंकिंग में भी इन्होंने लंबी छलांग लगाई है। विराट कोहली अब सीधे 15वें स्थान पर पहुंच चुके हैं। तो वहीं केएल राहुल 22वें स्थान है आईसीसी की लेटेस्ट टी20 रैंकिंग में। तो वहीं टॉप 10 बल्लेबाजों की रैंकिंग में पाकिस्तानी बल्लेबाजों का भी दबदबा देखने को मिल रहा है। वहीं आपको बता दें कि ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में टॉप 20 बल्लेबाजों में कोई भी भारतीय खिलाड़ी नहीं है, सिर्फ हार्दिक पांड्या को छोड़कर। जी हां, हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में मौजूद हैं टॉप 10 में। तो वहीं गेंदबाजों की रैंकिंग में भुवनेश्वर कुमार को काफी नुकसान हुआ है, जहां इससे पहले भुवनेश्वर कुमार 8वें स्थान पर मौजूद थे, लेकिन अब 8वें स्थान से खिसक कर वो 10वें स्थान पर पहुंच गए, जबकि भारतीय स्पिनर ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने भी लंबी छलांग लगाई है, अब सीधे 18वें स्थान पर पहुंच गए। तो वहीं पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट युवा तेज गेंदबाज हारिस सौफ ने भी लंबी छलांग लगाई है, जो कि अब ये 14वें स्थान पर पहुंच चुके हैं। तो वहीं पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह आफरीदी और भारतीय स्पिनर युजवेंद्र चहल को काफी नुकसान हुआ है, ये टॉप 20 गेंदबाजों की लिस्ट से बाहर हो गए। अब युजवेंद्र चहल जहां 26वें स्थान पर पहुंच गए खिसक कर, तो वहीं शाहीन शाह आफरीदी 24वें स्थान पर पहुंच गए। तो बिना समय गवाए चलिए बात करते हैं आईसीसी की लेटेस्ट टी20 रैंकिंग के बारे में। तो बात करते हैं सबसे पहले टॉप 10 टीम्स के बारे में। तो पहले स्थान पर भारतीय टीम मौजूद है, भारतीय टीम एक मजबूत स्थिति में है, 268 रेटिंग के साथ। नंबर 2 पर आ गई है इंग्लैंड की टीम 261 रेटिंग के साथ। नंबर 3 पर आ गई है साउथ अफ्रीका 258 रेटिंग के साथ। तो वहीं नंबर 4 पर खिसक गई है पाकिस्तान 258 रेटिंग के साथ। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका दोनों ही टीमों का रेटिंग सेम है। बात करें नंबर 5 की, तो नंबर 5 पर न्यूजीलैंड की टीम है 252 रेटिंग के साथ, और नंबर 6 पर खिसक गई है ऑस्ट्रेलिया 250 रेटिंग इस टीम का है। नंबर 7 पर वेस्ट इंडीज, नंबर 8 पर श्रीलंका, नंबर 9 पर बांग्लादेश और नंबर 10 पर अफगानिस्तान की टीम खिसक गई है। अब अगर हम बात करें प्लेयर्स की रैंकिंग, टॉप 10 बल्लेबाज, टॉप 10 गेंदबाज और टॉप 10 ऑलराउंडर्स के बारे में। तो बात करते हैं सबसे पहले टॉप 10 बल्लेबाजों के बारे में। तो नंबर 1 पर है पाकिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज ओपनर मोहम्मद रिजवान, जो कि 861 रेटिंग के साथ नंबर 1 पर है। नंबर 2 पर आ गए हैं सूर्य कुमार यादव भारतीय मिडिल ऑर्डर बैट्समैन 801 रेटिंग के साथ। नंबर 3 पर खिसक गए हैं बाबर आजम 799 रेटिंग के साथ। नंबर 4 पर हैं एडन मार्करम 792 रेटिंग के साथ। नंबर 5 पर एरन फिंच 707 रेटिंग के साथ। नंबर 6 पर डेविड मलान, नंबर 7 पर डिवॉन कॉनवे और नंबर 8 पर प्रथम निशांका। नंबर 9 पर मोहम्मद वसीम यूएई के। नंबर 10 पर रिजा हेंड्रिक्स साउथ अफ्रीकाई बल्लेबाज। अब अगर हम बात करें टी20 की टॉप 10 गेंदबाजों के बारे में, तो नंबर 1 पर जोश हेजलवुड 737 रेटिंग के साथ। नंबर 2 पर तबरेज शमसी 716 रेटिंग के साथ। नंबर 3 पर आदिल रशीद 658 रेटिंग के साथ। तो वहीं नंबर 4 पर हैं राशिद खान अफगानिस्तानी स्पिनर। नंबर 5 पर वरिंदु हर्ष रंगा। नंबर 6 आदम जंपा। नंबर 7 महेश तेकासाना। नंबर 8 मुजीबुर रहमान। नंबर 9 अकील हुसैन। नंबर 10 पर आ गए भुवनेश्वर कुमार। अब अगर हम बात करें टी20 के ऑलराउंडर्स रैंकिंग के बारे में, तो टॉप 10 ऑलराउंडर्स कुछ इस तरह से हैं। नंबर 1 पर मोहम्मद नबी, नंबर 2 साकिबुल हसन, नंबर 3 पर मोइन अली, नंबर 4 पर वरिंदु हर्ष रंगा, नंबर 5 पर हार्दिक पांड्या भारतीय ऑलराउंडर, नंबर 6 ग्लेन मैक्सवेल, नंबर 7 जेजे स्मिथ, नंबर 8 जीशान मकसूद, नंबर 9 रोहान मुस्तफा और नंबर 10 पर दीपेंद्र आर्य नेपाल के। तो ये रहा आईसीसी का लेटेस्ट टी20 रैंकिंग, जहां काफी कुछ बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।